पात्रता खाद्यान्न पर्ची के लिए पिछले 3 वर्ष से एक 50 वर्षीय शकुंतला नामक महिला नगर परिषद के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गई है, लेकिन उसको नगर परिषद द्वारा अभी तक खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध नहीं कराई गई है। पात्रता खाद्यान्न पर्ची के लिए पिछले 3 वर्ष से एक 50 वर्षीय शकुंतला नामक महिला नगर परिषद के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गई है, लेकिन उसको नगर परिषद द्वारा अभी तक खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध नहीं कराई गई है। पीड़ित महिला शकुंतला बाई ने बताया है कि नगर परिषद कार्यालय में पदस्थ मैडम को जरूरी कागजात तथा सुविधा शुल्क देने के बावजूद भी अभी तक उसे खाद्यान्न पर्ची मुहैया नहीं कराई गई है। मैडम द्वारा आजकल का बहाना बनाकर पिछले 3 वर्ष से परेशान किया जा रहा है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है। इस बारे में नगर परिषद CMO SS यादव का कहना है कि खाद्यान्न पर्ची भोपाल से नहीं आई है, भोपाल से आने के बाद ही वितरित की जाएंगी। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला। शकुंतला भाई, शकुंतला भाई बताओ, नगर पालिका में आई हो, क्या समस्या है आपकी? कैसी आई हो नगर पालिका में? क्या काम है तुमको? ये राशन कार्ड बनवाना है, वही ये मन पर्ची ना मिली, ये मन राशन ना मिले रहा। खाद्यान्न पर्ची आई नहीं आपकी? नहीं। कब से नहीं आई? वो तो भाई तो दिन कह दे के आवाज आई 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 मैं तो बहुत दिन से हमारा बनाया ही ना जिन राशन कार्ड। तो आप जाती हो तो क्या कहते हैं? अब जाते तो यहाँ दिन आप पच्ची आ जाइए, पच्ची आ जाए तो मुझे पागल बना दीजिए मैडम। हाँ कागज मैंने भर दिया, इसी का काम करता है। तो पर्ची नहीं आ रही होगी तो खादा नहीं मिल रहा होगा आपको? ना मेरा भाई साहब, तो मैंने पता माई स्त्री को जाकर कहा है।